वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। दीनता और हीनता की ग्रंथि को तोड़े बिना विकास का कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। जिस प्रकार अभिमान करना पाप है, बंधन है, उसी प्रकार स्वयं को दीनहीन समझना भी पाप है, बंधन है। कतिपय अभिभावक अनुशासन करते हुए बच्चों के लिए अपमानजनक और हीनता सूचक भाषा का उपयोग करते हैं। यह उचित नहीं है। इससे उनके कोमल मस्तिष्क में हीनता के संस्कार अंकित हो जाते हैं, जिनका उनके भविष्य पर घातक प्रभाव होता है। बच्चों के मार्गदर्शन जरूरी हैं, पर उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खंडित नहीं हो, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रारंभ में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में मंदबुद्धि समझे जाते थे। वे शिक्षकों के प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे सकते थे। इस स्थिति में उनके सहपाठी उनकी पीठ पर अपमानजनक शब्द लिख देते थे, पर आइंस्टीन हीनता की भावना के शिकार नहीं हुए। शताब्दी के महान वैज्ञानिक के रूप में वे सारे विश्व में प्रसिद्ध हुए। आज के जनमानस पर परिस्थितिवाद का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। इससे नाना प्रकार की मानसिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हर व्यक्ति का जीवन परिवर्तनशील है। जिनका मानस परिस्थितिवादी हो जाता है, वे उस स्थिति में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। विश्व के सभी महापुरुष अपने आत्मबल और मनोबल के आधार पर सफलता के शिखर पर आरूढ़ हुए हैं। हमारे आत्मबल में ही सफलता और सिद्धि का निवास होता है, बाहर के उपकरणों और साधनों में नहीं। जीवन के हर क्षण से पूरा रस निचोड़ लेना, हर क्षण को पूरी जिजीविषा से जी लेना, हर क्षण में अपने प्राण उड़ेल देना, यही है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यही है जीवन का सद संकल्प, यही है समस्याओं से मुक्ति का मार्ग। स्टॉप।